देश में इस वक्त रफाल विवाद कुछ इस तरह से हंगामेदार है कि अब नरेंद्र मोदी पर, प्रधानमंत्री पर व्यक्तिगत हमलों से भी बाज नहीं आया जा रहा। राधिका खेरा जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कांग्रेस अध्यक्ष चोर कह रहे हैं, चोरों का सरदार कह रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि रफाल मुद्दे पर उन्होंने कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया। मुझे बताइए आप लोगों की डिमांड क्या है, क्योंकि क्लॉज 248 टू 252 जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा कहता है कि ऐसे सेंसिटिव मुद्दे को डिस्कस करने के लिए आप एक सीक्रेट सेशन बुला सकते हैं। कांग्रेस उस चीज की डिमांड क्यों नहीं करती? क्या मीडिया में बवाल करने से रफाल सौदे की डिटेल्स आपको दे दी जाएगी? जब हमारी सरकार थी, डील चल रही थी एक पीएसयू से, सरकार की कंपनी से, 50 साल का एक्सपीरियंस था, 12 दिन पुरानी कंपनी, अनिल अंबानी की कंपनी को किस बेसिस पे आपने इतना दिया? वक्त क्यों लगा? इतना वक्त क्यों लगा? वायुसेना ने कहा, एक मिनट, वायुसेना का ये कहना है, वायुसेना की तरफ से कहना है, वायुसेना की तरफ से कहना है कि एचएएल प्रोजेक्ट्स में डिले करता है, हमें वक्त पर और हमें रफाल चाहिए, जनता को ठगेंगे अभी चाहिए। क्या इसका जल्दी का मतलब होता है कि आप देश की जनता को ठगेंगे? देश की जनता का पैसा है, आपका भी पैसा है। एक मिनट 2007 में 526 करोड़ की बात हुई, 2012 के निगोशिएशन की बात क्यों नहीं करते राहुल गांधी, जिसमें 737 करोड़ रुपए उसकी रेट बता दी गई? में आया हवाई जहाज, आप ये बताइए, आपने खुद उसके साथ क्या क्या टेक्नोलॉजी जुड़ गई है आपको पता है? बयान है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और साथ में ओलंडे जी का, सबके मिला हुआ बयान है जो औपचारिक है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो आप मुझे बताइए, टोकिए मत, भाजपा की स्पोक्स पर्सन मत बनिए। मैडम एक मिला जुला बयान पूरी बात को भी आलू टमाटर बना देते हैं लोग। कांग्रेस के समय, यूपीए के समय में तय हुई थी, जो रिक्वायरमेंट्स थी, जो जो चीजें उसमें थी, वही सेम डील है, वही रिक्वायरमेंट्स, वही चीजें एडिशनल ऐड हो गया है, वही टेक्नोलॉजी। तो ये तो या तो प्रधानमंत्री जी तब झूठ बोलने से क्या आज बोल रहे हैं? आप क्या बताइए प्रधानमंत्री, 10 साल लगा समाजवादी पार्टी का, नहीं जनता पार्टी नहीं, अगर उन्होंने 10 साल लगा दिए कांग्रेस ने इस बात को करते करते, वो हेल के साथ बात कर रहे थे, 10 साल उन्होंने लगा दिया, तो इतनी ज्यादा जल्दी में थी भारतीय जनता पार्टी कि उन्होंने 10 दिन पुरानी कंपनी को ये डील दे दी? ये भी मेरा एक सवाल है। जो मेरे एक मिनट निर्जा चौधरी जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। जो मेरी जानकारी है उसमें ये डील ऐसी थी कि अगर एचएएल का जब नाम नहीं था और दसॉल्ट ने रेल को चुना, तो उसमें रेल जो मुनाफा होगा उसका 50% भारत की 8 कंपनियों में इन्वेस्ट किया जाएगा। ये जानकारी मेरे पास है और मेरे पास इसके पुख्ता डिटेल्स हैं, मैं आपको व्हाट्सएप और मेल कर दूँ। अब मुझे बताइए, सिर्फ रेल को बहाना बनाकर, क्योंकि उसमें अनिल अंबानी का नाम है, क्योंकि उसमें आप मोदी को निशाना बना सकते हैं, अभी तक कांग्रेस ने यह जवाब नहीं दिया कि वो पीएससी की जांच क्यों नहीं करवाना चाहती, वो क्लॉज 242 से 258 के बीच कोई सीक्रेट सेशन लोकसभा में क्यों नहीं बुलाना चाहती, इसका कोई जवाब नहीं। बस बहस में बैठेंगे, चिल्लाएंगे, मीडिया में आएंगे, एक दूसरे को जोर कह देंगे और चल जाएंगे। आप भाजपा के प्रवक्ता की तरह, मैंने दोनों तरफ से कहा राधिका खेरा जी रफाल पे मैं आपको डिटेल्स देती हूं, रफाल चीज की जांच के लिए रफाल पे मेरी छोड़ दे, मैंने पूरी डिटेल्स दी है, हाल के चीफ का सीन है, मैं के पास चैलेंज करते हैं, आप दस्तावेज को पब्लिक करिए। नहीं पब्लिक कैसे करेंगे, क्यों सेंसिटिव दाम बता, इतना सेंसिटिव मुद्दे को पब्लिक करना चाहता है? अरे दाम तो इनकी डसॉल्ट की वेबसाइट पे है, रिलायंस ने अपनी वेबसाइट पे डाले हैं, निर्जा चौधरी डाल सकती है तो निर्जा चौधरी बता सकती। क्या रक्षा मंत्री का जवाब दीजिए आप, सरकार का वो बनना बंद करें। नहीं मैं सरकार की कुछ नहीं हूं, चौथा स्तंभ है, मैं सरकार की कुछ नहीं हूं, चौथा स्तंभ है मेरा देश का। डिसॉल्ट के आधार पर ये उस विमान की कीमत की बात कर रही हैं कि उस उन्होंने बता दिया, रिलायंस ने बता दिया है, उसमें वही डिसॉल्ट जो है एक ये रिलीज जारी करता है और ये 2 दिन पहले की रिलीज है। मैं केवल एक लाइन पढ़ देता हूं, अदर पार्टनरशिप हैज बीन साइंड विद अदर कंपनी सच एज BTSL, BEFSY, काइनेटिक्स, महिंद्रा, मनी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एंड अदर 17 अदर कंपनीज से नेगोशिएट कर रहे हैं और ये 6 लोगों से इनका नेगोशिएशन हो चुका है। अब मुझे बताइए, जब ये डिसॉल्ट कहता है कि
हम 70 कंपनियों के साथ 70 कंपनियों के साथ बात कर रहे हैं तो फिर ये अंबानी की बात कहां से आ जाती है? अंबानी तो एक है उसमें, अंबानी एक है। अब ये चिल्लाएंगे इसके लिए? ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। अब इनकी हकीकत भूल जाती है तो चिल्लाने लगती है, यही समस्या है। माफ कर दीजिएगा, मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं आपके पास नहीं आ पाऊंगी, मेरे पास पॉलिटिकल पार्टीज ने ज्यादा वक्त लिया है। मैं इसके कंक्लूजन पे आ रही हूँ। इसका कंक्लूजन सिर्फ ये है कि अगर रफेल पर इतना बड़ा विवाद है तो सबसे पहले कांग्रेस को भी ये समझना चाहिए कि सिर्फ जेपीसी जांच से कुछ नहीं होगा। आप पीएससी की जांच की डिमांड कीजिए ताकि उसके अकाउंट्स और उसके घोटाले घपले के आरोपों को साबित करने के लिए आपके पास कुछ कहने को हो। और दूसरी चीज ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बार बार जब भी आपने उन पर कोई आरोप लगाया है उससे उनका ही कद बढ़ा है और बीजेपी को इसका सीधा सीधा चुनाव में फायदा हुआ है। इसलिए दोनों ही रणनीति पर दोनों पार्टियों को सोच लेना चाहिए कि सिर्फ राजनीति से नहीं देश की सुरक्षा और देश की रक्षा मामलों पर आप खुलकर बात कीजिए। तमाम मेहमानों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।